नमस्कार। इंग्लिश मैन चली आसंती बेश परिपाटी विशेष करी तांकर मोटा मोटा जैकेट विषय आम चिंता करी था। केबे हल्का बरफ वर्षा तो आउ केबे चारी आड़े बरफर चादर किंतु काही की गोटे देश एबे मरुड़ी रे जुझी हेउची। एकेऊ देश जेउठी 30 वर्षर रेकर्ड भांगी जलस्तर विराट जलवायु परिवर्तन ध्वंस करदेव कि यही देश को ध्वंस तो विश्वर आउ एक इलाकार भी हेउची। दुनिया देखा जाऊँगी विश्व इतिहास सबुठ भयंकर युद्ध ताइवान पर ड्रागन करुच्ची बड़ प्रस्तुति। गोटेपटे युक्रेन रुषिया युद्ध चली तो विश्व देख एक विनाशर युद्ध। ए युद्ध में व्यवहृत हो पाए दुनिया में सबुठ घातक अस्त्र परमाणु। जापान और आमेरिका उपर चीन रखी नजर आहारि भितर आम देश में चली मागणा राजनीति। आज्ञा हाँ आमर एटी खबर अभाव ना अखबर भितर केत खबर बाहरी जाए। दिनक पूर्वे भारतीय राजनीतिर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बिहार माटी लिखी नीतीश कुमार को खुला चैलेंज भारत भविष्य को अनेक किसी इंगित करपटे किंतु दिल्ली दरबार टणाओटरा। आसंता सप्ताह मागणा योजना को नहीं शुणा करेंगे सुप्रीमकोर्ट किंतु मागणा स्कीम्रु वंचित हेले खुश हे तो आम भोटर से राग को केमिति शांत टकरा टकरी भितर किंतु सारा देश में निधुम वर्षा हो पहाड़िया अंचल भूस्खलन चिंता बढ़ाऊँगी और समतल अंचल बन्या वर्षा बन्या विपात रे देश डाकुची त्राही माप। चलंतु आरंभ करिबा आज फोकस पॉइंट एसबु को नहीं बेजिंग रो वार मॉडल तैयार। ताइवान उपरे जे कोनोसी मुहूर्त आक्रमण करी पारे ड्रैगन। युद्ध में व्यवहार हो पारे परमाणु अस्त्र जदि युद्ध हुए यार परिणाम भयानक हेबो। रुषिया युक्रेन भली लंबा हो पारे चीन ताइवान युद्ध। ताइवान व्यतीत आमेरिका एवं जापान को टार्गेट करी पारे चीन। आमेरिकार प्रतिरक्षा गवेषणा संगठन सीएसआईएस करी एभली पूर्वानुमान। ताइवान सामरिक समराभ्यास जारी रखी बेले एबेबी घेराबंदी सह ब्लॉकिंग करी रखी चीन। चीन रो न्यू नॉर्मल पॉलिसी ताइवान रो आर्थिक मेरुदंड को दोहलाई देबा सह अंतर्जातीय वाणिज्य को विशेष भाव प्रभावित करिबो। चीन रा ताइवान वार मॉडल केबे एवं केउठी हमला करिबो ड्रैगन। आक्रमण रे केउ अस्त्र रहबो प्रयोग विश्व वाणिज्य को प्रभावित करिबो कि चीन रो न्यू नॉर्मल चीन रो ताइवान वार स्ट्रेटेजी रो जवाब खोजुछंती विश्वर थिंक टैंक। चीन रो वन नेशन पॉलिसी एवं ताइवान को निज नक्सा रे मिसाइबार अभिप्सा एभली प्रश्न छेड़ा करिछि। ताइवान सीमारे ड्रैगन रो युद्धाभ्यास शेष होइछि सत हेले साइलेंट किलर स्ट्रेटेजी युद्ध आशंका को द्विगुणित करिछि। बेजिंग रो आक्रमणात्मक मोड को नजर रखी योजना प्रस्तुति रे भी लागी पड़ी व्हाइट हाउस। आमेरिकार प्रतिरक्षा विशेषज्ञ को नहीं गठित टीम चीन रो संभाव्य युद्ध योजना उपरे चलाई गवेषणा। ताइवान उपरे परमाणु हमला करिबो कि चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग निष्पत्ति नहीं सारी ना सठिक समय को अपेक्षा करिछंती बेजिंग रो प्रथम टार्गेट ताइवान जापान ना अमेरिका। सीएसआईएस अर्थात यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एवं इंटरनेशनल स्टडीज रो रिपोर्ट कहुची आगो को युद्ध आशंका रही एथिरे चीन रो आक्रमण चीन विरोध रे प्रति आक्रमण एवं युद्ध रो परिणाम उपरे विस्तृत तथ्य रही। जदि दक्षिण चीन सागर किंबा पूर्व चीन सागर रे ड्रैगन युद्ध आरंभ करे तेबे प्रथमे कहा विपक्ष रे हेबो आक्रमण रे व्यवहार हेबो कि परमाणु बोमा सि
सीएसआईएस ए सिमुलेटेड वॉर गेम पाई गठन करिछि दुईटी टीम, प्रथम टी रेड टीम एवं द्वितीय रे ब्लू टीम। रेड टीम हमला करबा पक्ष होइथिबा बेले ब्लू टीम डिफेंसिव भूमिका रे रहिबे। सीएसआईएस निजर वॉर गेमिंग को उभय पक्षर क्षमता एवं आधार उपरे लढाई पाई दुईटी टीम गढ़िछि। एथिरे पूर्व मिलिटरी कमांडर ठारु आरंभ करी चीन, जापान एवं ताइवान रो विशेषज्ञ शामिल अछन्ति। प्रशांत महासागर रो मानचित्र सह चीन, ताइवान एवं अमेरिका रो वॉर सेंटर गुड़ी को ट्रैक करा जाउछि। सीएसआईएस एहा मध्य चेताई देछि जे जदि युद्ध हुए तेबे परिणाम भयंकर हेबा निश्चित। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ को आकलन युद्ध पाई पूरा प्रस्तुति करिछि चीन नौसेना। युद्धाभ्यास सरिबा परे भी ताइवान को जलपथरे घेराबंदी करी रखिछि ड्रैगन। चीन रो न्यू नॉर्मल ताइवान पॉलिसी युद्ध आशंका को जेतिकि दृढ़ीभूत करुछि, ताइपेई रो आर्थिक मेरुदंड को सेतिकि दुर्बल करि देबार आशंका सृष्टि होईछि। चीन रो सरकारी गणमाध्यम रिपोर्ट संकेत देइछि जे गुरुत्वपूर्ण शिपिंग रूट रे ड्रैगन रो सामरिक युद्धाभ्यास नियमित भाबे चालिबो। बेजिंग रो एभली आभिमुख्य ताइवान रो वाणिज्यिक संपर्क को क्षति पहुंचाइबा सह विश्व वाणिज्य को प्रभावित करिबो। अर्थात जेते दिन पर्यंत युद्ध आशंका लागि रहिबो किंबा ताइवान जलसीमारु चीन नौसेना संपूर्ण भाबे अपसरी न जीव सेतेबेळे जाय गुरुत्वपूर्ण ट्रेड रूट ब्लॉक होइ रहिबो। चीन रो नुआ स्ट्रेटेजी केवल ताइवान को डराइबा को नुहे बरं विश्वर अग्रणी अर्थनैतिक शक्ति गुडीकर वाणिज्यिक कारबार को मध्य क्षति पहुंचाइबो। युद्ध पूर्वरु युद्धाभ्यास करी चालाकी देखाइछि ड्रैगन। समराभ्यास आळरे चीन निज अत्याधुनिक मिसाइल एवं अस्त्रशस्त्रर सफल परीक्षा करि नेइछि जा उभय ताइवान एवं अमेरिका पई घातक साजि पारे। चीन रो दुईटी मिसाइल टोकियो एवं वाशिंगटन पई चिंतार विषय होइछि। सेगुडी कहला DF-21D एवं DF-26। एई दुईटी जाको आंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। DF-21D रो लक्ष्यभेद क्षमता 1500 किलोमीटर होइथुवा बेले DF-26 रो टार्गेट रेंज 5000 किलोमीटर। DF-21D अधिक शक्तिशाली, यहाँ टार्गेट को 10 मिनिट भितरे हमला करि पारिबो। चीन रो दाबी एई मिसाइल जे कोनोसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को चकमा देई पारिबो। जदि यहाँ सत हुए तेबे अमेरिका नौसेना को अधिक क्षति पहुंचाइबो DF-21D। ताइवान उपर टळिनी युद्ध घन घटा। जदि ताइवान को नहीं युद्ध हुए तेबे यहाँ रुषिया युक्रेन युद्ध भली लंबा समय पर्यंत चली पारे। चीन रो चेष्टा रहिबो ताइवान रो नेतृत्व शेष करिबा किबा बेजिंग आगरे मुंड नुआइबा को बाध्य करिबा। तेबे चीन पाई प्रतिबंधक साजि पारंती विश्वर दुई महाशक्ति अमेरिका एवं जापान। चीन भल भाव जाणी जे अमेरिका काउंटर करुच्छी, तेणु अमेरिकार बंदर एवं सामरिक बेस गुड़ी को टार्गेट करी पारे ड्रैगन। ताइवान को बहाना करी चीन एवं अमेरिका मध्यरे सृष्टि होइतिबा मुहांमुही स्थिति केवल एशिया महादेश नुहे सारा दुनिया को प्रभावित करिबार आशंका रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एट नोडिया। जोर धरिलाणी मागणा योजना राजनीति। सुप्रीम कोर्ट रे मामलार सुनाणी चलिथिबा बेले बीजेपी ओ आम आदमी पार्टी मध्यरे चलिछि बड़ कसाकसी। केउ योजना जनकल्याणकारी आउ केउ योजना मागणा राबिडी ताहा एबे अनुध्यान करिवार समय आसिछि। 17 तारीख रे सुप्रीम कोर्ट रे हेबो मामलार परवर्ती सुनाणी। तेबे ता पूर्वरु आप ओ बीजेपी मध्यरे केमिति चलिछि कथा कटाकटी आसंतु देखिबा। रेवडी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे, हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। प्रफुल्ल शारदा जी ने पूछा कि भाई आपकी सरकार ने कितने लोगों का लोन माफ किया है,
तो भारत की सरकार ने बताया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बताया, साफ फिगर सुनेंगे चौंक जाएंगे, 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है, 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है, देश को तबाह कर दिया, दिवालिया कर दिया है, बैंकों को खाली कर दिया। तो अपने पूंजीपति मित्र अडानी जैसे मित्रों को आप रेवड़ी बांट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपको देख रहा है। मागणा योजना को नहीं कली, मागणा योजना विरोध में आगत जनस्वार्थ मामलार शुणाणी सुप्रीम कोर्ट रे चलछि। ए सब योजना देशर अर्थनीति को दुर्बल करथुवारु मामला को गुरुत्वर सह नैछंती सर्वोच्च कोर्ट। हेले एहारी भितर भी रहिछि राजनीति। केन्द्र सरकार मागणा योजना बंद सपक्ष में थी बेले आम आदमी पार्टी व्याख्या करुछि मागणा योजना कौन। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयां मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जा रहा। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं, हर 10-10 साल में बनता है, 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था, पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। आज़ादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं हम आज़ादी के, पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया, कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। विभिन्न प्रसंगे केंद्र सरकार को काउंटर करछंती आप मुख्य तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विभिन्न गरीब कल्याण योजना ठारु आरंभ करी अग्निपथ, GST एवं अष्टम वेतन कमिशन आदि प्रसंगे केन्द्र सरकार को घेरिछंती केजरीवाल। खाली से नुहे, किसी बड़ बड़ शिल्पपति लक्ष लक्ष कोटी टंका ऋण केन्द्र सरकार छाड़ कर आप मुख्य केजरीवाल को मुहंतोड़ जवाब देती बीजेपी नेत्री साजिया इमली। दिल्लीर आम आदमी सरकार ही मागणा राबिड़ी बांटी आर्थिक बोझ बढ़ाई, मागणा योजना मध्यम केजरीवाल राजनीतिर रिहातीकरण करथुवा से कहते। जो विशिष्ट शिल्पपति व्यवसायी मानक ऋण छाड़ कथा केजरीवाल कहते, खोलाखोली से ना कह चैलेंज साजिया इमली। जो उनके फ्री दे दो, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, उसका घाटा क्या हुआ है? दिल्ली की पावर कंपनीज में 2,561 करोड़। तो आप सोचिए इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई दिल्ली का ही टैक्स पेयर करेगा, हम और आप ही करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी तो वो भी कहां से पैसे लाएगी? वो हम आप ही करेंगे। तो हमारा ही पैसा लूटकर, हमें ही बेवकूफ बनाकर, गरीब लोगों को इस तरह के रेवड़ियां बांटकर और प्रलोभन देकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो हम क्या उनकी राजनीति को सब्सिडाइज करने के लिए आए हैं? गुड गवर्नेंस कहाँ है? जनकल्याणकारी योजना देशर विकासमूलक योजना सह फेंटी हो जाइछि मागणा योजना। राजनैतिक दलगुड़िक केवल भोट हातेबाकु ही भोटर को लांच देला भली योजना करथुवा कहिछन्ति राजनीति विशेषज्ञ। सेपटे दिल्ली सरकार विभिन्न योजना व प्रतिश्रुति को मागणा राबिड़ी सह तुलना करछन्ति बीजेपी नेता मनोज तिवारी। अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? नारा था पानी माफ बिजली हाफ, ये दिल्ली के हर घर गली में देखा गया कि हमें जिताओ, हम पानी का
पैसा माफ कर देंगे और बिजली का पैसा हाफ कर देंगे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में सबका बिजली हाफ हुआ? क्या सबका पानी माफ हुआ? ये रेवड़ी कही जाती है, रेवड़ी बांटना। हम जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। हमने कह दिया हम 2020 में जमुना जी में आपके साथ डुबकी लगाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल हूं, क्या जमुना जी में 5 साल क्या 7.5 साल बाद भी डुबकी लगाना तो छोड़, उस पानी को एक बार लेकर के मुंह में डाल सकते हैं आप? फ्री बीज को नहीं सारा देश में सृष्टि हुई वितर्क। प्रकृत मागुणा योजना कौन, जनकल्याणकारी योजना कौन, निर्वाचन आचरण विधि लागू बेले राजनैतिक दलगुड़िक कि प्रतिश्रुति देपारे कौन देपारे ता निश्चित रूपे अनुधान विषय। तेरे बीजेपी नेता मनोज तिवारी केजरीवाल सरकार राबिड़ी सरकार संज्ञा बताइवा बेले आप नेता संजय सिंह फ्री बीज्र संज्ञा नहीं केन्द्र को करछंती टार्गेट। से ही वरिष्ठ आईनजीवी तथा कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी मध्य केंद्र सरकार अग्निपथ योजना ठारु आरंभ करी खाद्यशस्य उपरे टैक्स लगाइबा एवं स्कूल और हॉस्पिटल रे फी लागू करिबा को नापसंद करछंती। फ्रीबीज को लेकर तुम सवाल उठा रहे हो, क्या इस देश के गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का हक नहीं है? क्या गरीब आदमी को अच्छा इलाज पाने का हक नहीं है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने का हक नहीं है? क्या बिजली पानी निःशुल्क लोगों को मिले इसका हक नहीं है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ रुपए मिल जाए लेकिन गरीब आदमी को 100 रुपए का भी फायदा ना होने पाए, ये कौन सी मानसिकता है? द सेंट्रल स्कीम अग्निपथ इज ओनली टू सेव मनी विच इज पेड ऑन पेंशन, बट दे डोंट रियलाइज पेंशन इज गिवन ऑल्सो टू दी poorest of jawans who retire in the middle of their career. In 75 years of independent India, food grains were never taxed. They were never taxed because they were essential for survival. And now he says that schools, hospitals, nothing should be free. Where will the poor go? This is complete disaster. मागणा योजना एवं जनकल्याणकारी और विकासमूलक योजना मध्य निर्दिष्ट फरक बाहर करिवार अछि। से सबको नियंत्रण नकले देशर अर्थनीति जे भविष्य में बर्बाद होजिवो सेथिरे संदेह नहीं। सुप्रीमकोर्ट रे मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता 17 तारीख रे हेबो। तेबे आवेदनकारी वकिल अश्विनी उपाध्याय बीजेपी रु होइथिबा कारणरु प्रसंग को नै राजनैतिक टणाउटरा सृष्टि होछि। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बर्षार भिजुची सारा देश, प्रबल बर्षा जो अधिकांश स्थान में बन्या परिस्थिति, केउठी पानी घेर रे गां तो आउ केउठी पानी रे भासुची कार, पहाड़िया अंचल रे भूस्खलन चिंता बढ़ाउचे, विपद संकेत उपरे जमुनी नई, एपटे ओडिशा रे भी बन्या आशंका, उपर मुंड रे प्रबल वर्षा जो हीराकुद्र 20 गेट खोली, तलिया अंचल रे प्रबल वर्षा जो नदीर जलस्तर भी वृद्धि पाउची, आउ यार भितर शनिवार आसुची आउ एक लघुचाप, फल राज्य रे बन्या आशंका देखादेछि। मौसुमी वर्षारे उबुटुबु सारा भारत, विभिन्न स्थानरे प्रबल वर्षा जोगु बन्या परिस्थिति देखा दैछे। केउठी पानीरे कार भासुचित आउ केउठी अंधार रातिरे उद्धार कार्य चलिछे, पुणि केउठी बन्या पानीरु लोकंकु जेसीबी जोगे उद्धार करा जायछे। हिमाचल प्रदेशरे लगाण वर्षा जोगु सिरमौर जिलार सीमावर्ती अंचल जमुना नदीर जलस्तर वृद्धि पाई, फलर जिला प्रशासन आलर्ट जारी करिछे। तबे प्रबल वर्षा जोगु जमुना नदी एथर सबु रेकर्ड काटि देछे। एही नदीर जलस्तर लगातार भावे बढ़िबारे लागिछे। हिमाचल प्रदेश में प्रबल वर्षा जोगु दुई जणक मृत्यु मध्य होइछे। मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया नदी के किनारे ना जाए ताकि कोई भी किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। सेहीपरी हिमाचल प्रदेश सेंज घाटी रे गत रातिरु भूस्खलन होछे, फलरे जीवा पावर प्रोजेक्ट रे पाइप फाटी जायछे।
चाष जमीरे पानी माड़ी जीवा जोगु लोकंक फसल हानि होइछे। कुल्लू निकटरे थिबा एही अंचलरे मध्य प्रबल वर्षा जारी रहिछे। कुल्लू जिल्लारे गत किछि दिन धरि लगाण वर्षा होइछे, फळरे विभिन्न स्थानरे नाना क्षयक्षति होइछे। भूस्खलन जोगु दुई जणक मृत्यु होइछे। सेहिपरि दस रु अधिक दुकान एवं एकाधिक घर भांगी जाइछे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 84 रोड जो है वो ब्लॉक्ड हैं, उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं। और ट्रांसफार्मर्स जो है वो बिजली के 529 इस टाइम शट डाउन चल रहे हैं, जो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। देखंतु एही विजुअल सब मध्य प्रदेश रो इंदौर रे बन्या पानी रे भासी जाय छी कार। सेहीपरि जम्मू काश्मीर सांबारे नदी रे गाड़ी फसी जाइछे। कटड़ा रे वर्षा परे लोकंक अवस्था बेहाल होई पड़िछे। सेहीपरि मध्यप्रदेश रो डिंडोरी अंचल रे थिबा नर्मदा नदी कूल रे मंदिर बुड़ी जाइछे। एहार भितरे कर्नाटक रो कोप्पल अंचल रे बन्या पानी रे गां बुड़ी जाइछे। चारिआड़े वर्षा लागी रहिछे। केउठी प्रबल वर्षा जोगु फ्लाईओवर भांगी जाइछ त केउठी पानी रे घर बुड़ी जाइछे। अनेक गां पानी घेर रे अछंती। देशर विभिन्न राज्य रे बन्या परिस्थिति देखा दैछे। ओडिसा भी एथिरु बर्ती पारिनि। लगाण वर्षा फल विभिन्न नदी जलस्तर वृद्धि पाई जहाँ फल तली अंचल लोक गोटे विपद आशंका देखा दी। आप चित्र आम देखा देखो बुढ़ावल नदी जलस्तर वृद्धि पाया फल जो तलिया अंचल रही था किसी रास्तार बर्तमान पा चली। आपने देखिपे ये हूँ मुख्य रास्ता कसीमेला गांव को जीवा को रास्ता उपाने चली। दुई पर्शे लोके ढाई जो मैंने जीवाई आसते कितु जो परिस्थिति बर्तमान आपत्ति मत देखिपे कि बर्तमान पा चली। जो मुख्य रास्ता गुड़ी रही है साधारण जदि बुढ़ा बल विपद संकेत तले रही जहाँ सूचना बुढ़ा बल नदी जलस्तर धीरे धीरे ह्रास पाँच किंतु जेहेतु आगामी तीन दिन पुणी वर्षा लगातार वर्षा अलर्ट जारी करा हैछि, तण गोटे आमे कहि परबा गोटे आशंका मधे रहउछि। डराइलाणी महानदी उपर मुंडरे वर्षा परे बढ़ुछि जलस्तर। हीराकू जल भंडार रु 20 टी स्लुइज गेट नै जल निष्कासन हेउछि। जल भंडार रो जलपतन प्राय 615.89 फुट रे रहिछि। 20 टी स्लुइज गेट ओ विभिन्न केनाल दे 340,945 घनफुट जल निष्कासित हेउछि। बामपट स्पिलवेर 13 स्लुइज गेट खोला जाइथिया बेले डाहाणपट स्पिलवेर 7 स्लुइज गेट खोला जाइछि। हीराकू जल भंडार सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट रहिथिया बेले 64 स्लुइज गेट और 34 क्रेस्ट गेट को मिसाई 98 गेट रहिछि। सेहिपरि लगाण वर्षा परे उत्तर ओडिशार विभिन्न नदीरे जलस्तर वृद्धि पाइछि। विपद संकेत टपिछि जलका नदी। मथानी ठारे विपद संकेत 5.50 मीटर थिबा बेले सेठारे 6.29 मीटर रे बन्या जल प्रवाहित होउछि। तळिया अंचल रे विभिन्न गाँव रे एबे पानी पसिछि। आगकु वर्षा थिबारु जलस्तर आउरी बढ़िबार आशंका रहिछि। रास्ता और सदर ब्लॉक रो अनेक पंचायत प्रभावित होइछि। पश्चिमबंग जामसुला घाटे विपद संकेत 49.16 बेले एठारे 46.20 मीटर रे बन्या जल प्रवाहित होउछि। सेहीपरि सुवर्णरेखारे मध्य जलस्तर वृद्धि पाउछि, तेबे विपद संकेत तले रहिछि। राजघाटे सुवर्णरेखा नदी विपद संकेत 10.36 मीटर थिबा बेले जलस्तर 4.54 मीटर रहिछि। बुढ़ाबलंगरे मध्य जलस्तर बढ़िबारे लागिछि। जातीय राजपथ 16 ठारे विपद संकेत 8.13 मीटर थिबा बेले एठारे जलस्तर 6.76 मीटर रहिछि। अल्प भी वर्षा घंटे वर्षा होने भी पानी रूम भितर पशि जाऊँ। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम अच्छे तो गवर्नमेंट को किसी स्टेप ना दरकार। ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहिले पानीटा से बाटे जाइपर। वर्षा आसला मात्रे कॉलोनी बुड़ी जाए पानी रे। हमें बहुत हैरान हो घर गुड़ा भी पानी बहुत पशि जाइए। पानी ये कमुनि छुआ पिला स्कूल भी जाऊना बहुत कष्ट आम खाइबा पीवा जेने की आसुचु। सिंस लास्ट 20 इयर्स आम यहाँ रेनी सीजन बर्षार पूरा उद्योग होकर रोचु। मैंने म्यूनिसिपालिटी हो से कलेक्टर हो कि एक्जिक्यूटिव अफसर समस्त को बार बार जाकि मीट करके आम सब ग्रीवांस कर सारापर दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। पश्चिम म्यांमार और तार पार्श्ववर्ती अंचल एक घूर्णिवलय सक्रिय होइछि।
प्रभावरे आगामी 24 घंटा मध्यरे उत्तर बंगोपसागर एवं तार पार्श्ववर्ती अंचलरे लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछे। फळरे आगामी 24 घंटे 13 जिलारे प्रबल वर्षा हेबा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछे। दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा को बाद देले समस्त जिले हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। 13 और 14 रे 30 जिला को अलर्ट करा जाइछि। शनिवार 14 जिले अति प्रबल वर्षा हेबा आकलन करा जाइछि। दक्षिण ओडिशा रे बन्या परिस्थिति दृढ़ीभूत होइछि। 14 तारीख रे 16 जिले अति प्रबल वर्षा और 4 जिले अत्यंत प्रबल वर्षा नै ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। दक्षिण आभ्यंतरीण सह गजपति और गंजाम रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। महानदी अवबाहिका रे जलस्तर वृद्धि पाइबो। ऋषिकुलिया वंशधरा नागावली नदी फुलिबो। 15 रु वर्षार परिमाण कमिबो। 15 तारीख पर्यंत समुद्र अशांत रहिबा सह 4 रु 6 मीटर उच्च जुआर एने मत्स्यजीवंकु समुद्र मध्यकु जीवाकु बारण करा जायछि। सुंदरगढ़ जिलाकु छाड़ देले नियंटिया वर्षार भरणा होइछि बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुणी खबर शिरोनामारे नवीन मुख्यमंत्री हिसाब रे नवीन पटनायक सबुठु अधिक लोकप्रिय। जातीय गणमाध्यम सर्भे रे नवीन को शासन रे 78% ओडिशावासी संतुष्ट आउ देश रे सबुठु लोकप्रिय नेता मोदी। बीजेडी कहिछि लोकंक समस्या सहित थिबारु मुख्यमंत्री लोकप्रिय हेले बीजेपी कहिला विकास प्रतिफलित हेबा आवश्यक। कांग्रेस मतरे वोट गवर्नेंस जोगु नवीन एक नंबर आउ विरोधीक स्थाणु रणनीति को दायी कले समीक्षक। नवीन नंबर वन देशरे ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सबुठ लोकप्रिय। नवीन को शासन रे संतुष्ट राज्यवासी। एक जातीय गणमाध्यम सर्भे रे नवीन को शासन रे राज्यर 78% संतुष्ट थिबा जणा पड़िछि। लगातार 22 वर्षर शासन परे सरकार विरोधी हावा बीजेडी सुप्रीमो को छुई पारि नथिबा रिपोर्टरु स्पष्ट होइछि। सरकारक विभिन्न योजना जोगु नवीन को प्रति आस्था अतुट थिबा कहिछि बीजेडी। राजनैतिक समीक्षकक मतरे राजनीति गोटी चालनारे नवीन माहिर। विरोधीक निकटरे विकल्प चेहरा नाही कि ग्रहणीयता नाही। नवीनक उपरे दुर्नीतिर छिटा पडि नथिबारु लोकंक द्वारा होइछन्ति ग्रहणीय। गतकाली जो रिपोर्ट आसी से देखा जाइए मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जनसाधारण अकुंठित स्नेह साहय सहयोग समर्थन आशीर्वाद एवं बलवत्तर अच्छी से आम ओडावासी गर्वित कहीं मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा को एक नंबर स्थान रखिपार। ये सरकार बहुत दुर्नीति है भ्रष्टाचार होती नवीन पटनायक विरुद्ध सीधा साल कौन भ्रष्टाचार अभोग आसीपार नहीं। अपर पक्ष विरोधी पक्ष नवीन पट्टनायक समालोचना करुंट सत कितु कई लोक मान पाख जाऊना बा विरोधी पक्ष कौन नेतृत्व ना खाली सर्वेक्षण रे एक नंबर हबार जो प्रक्रिया मुख्यमंत्री जारी रही से जारी न रहू। एटी ओडिशा रे विकास जो भली भाव आज कोटी कोटी पूर्णच्छेद पड़ जाए से पूर्णच्छेद उठू एवं विकास हो देखा जाऊा केवे गुड गवर्नान्स ना ये विषय मुझे दृढ़ निश्चित एवं जी आणतु जो तथ्य सी जेपर भाव में मैनेज करे करूँ ना कहीं मैंने तो एपर्त करना देखा जा हिसाब अनुसार सी ना भोट राजनीति में नवीन पटनायक आज भी एक नंबर अच्छा। राज्य में नवीन एवं देश में मोदी लोकप्रिय नेता लोकाभिमुखी योजनापी दुहे लोकों निकट में आदृत। भुवनेश्वर कैमेरामैन चेतन स्वाई और सुश्री सुलोचना दुष्मंत बेहरा और अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया।